हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ आदिवासी। सबसे पहले तहे दिल से सॉरी, क्योंकि देखिए कल त्यौहार था और आज थोड़ा शनिवार की वजह से जिसका भी है लॉटरी का पैसा और वो गिफ्ट का पैसा मैंने रोका है। मंडे मंगलवार को सबको मिल जाएगा, इतना भरोसा रखो। दिल से सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बंदे भी आ रहे हैं अभी, आज वो लोग निकले हैं, वो लोग यहाँ पहुँचेंगे और आप लोग को अब सबकी चीज़ मिल गई और बहुत सारे लोगों को दर्शन मिल गया। कि जितने लोगों को दर्शन, दो चार जनों को नहीं मिला ना, पहले दिल से ध्यान लगाई है। अभी तुम लोग अभी आवाहन कर रहे हो जिनका और ध्यान की जरूर है, अभी दिखेगा अभी, ऐसे नहीं, मन से ध्यान लगाई है, मन से उनका आवाहन कीजिए। कम से कम जैसे भी रहमान जिनका, तो कम से कम रहमान जिन को बोलिए, रहमान जिन मुझे अपने विद्या देवी ने आपको सिद्ध करके दिया है, आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज मुझे दर्शन दो, मेरे सामने आओ, ऐसे बोलो। और नाते अली पढ़ो, नाते अली यूट्यूब पे कहीं भी मिलती, लिख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, उसको कम से कम 11 बार पढ़ो, आ जाएगी चीज़ सामने। कोशिश तो करो, कोशिश कर, हल निकलेगा। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैंने कहा था ना कि मैं दरगाह जाऊँगी, कुछ तो यूनिक होगा, क्योंकि मैं बाबा मखदूम शाह बाबा को बहुत दिल से मानती हूँ। जब जब मैंने वहाँ कदम रखे तब तक उन्होंने मेरे कदम रखने का कुछ अलग ही वो दिया है। देखो, जब दरगाह नहीं खुली थी 8 महीने बाद मैंने कदम रखा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो जो नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई थी। दिवाली के दिन मैं बोली थी ना, दो खुशियाँ घर पे आ गई थी, इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हुई थी। वैसे ही अब मेरे मखदूम शाह बाबा ने इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं क्या बोलूँ आपको। मेरे आप कोई मेरे केशव को नाजायज नहीं कहेगा, मतलब केशव अपना पूरा हक लेके वापस आ रहा है। वो ऐसा चमत्कार हुआ है जो सोचा नहीं था। मैं आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ ना, मैं दिल से बोलूँगी। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मैंने बहुत बार अपने खास बंदे के घर पे मेरी रेणुका से मैसेज भिजवाया था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई देखने नहीं आया था। मतलब एक बार इंसान को पता चलता है कि भाई हमारे घर की गलती की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो चलो हम जाके पूछें तो सही, हालचाल पूछें। वहाँ सब ने मुझे धिक्कारा था, तो मैं चुप बैठ गई थी। मैं तब उसके बाद मैंने बाबा जी मीरा दाता दरगाह जाना शुरू किया था और आप सब लोगों के लिए काम किया। लॉकडाउन था, घर में कोई था नहीं, बहुत बार मैंने मैसेज पहुँचवाया था कि भाई ऐसा है, प्लीज़, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कहा था प्लीज़ मुझे मेरे खास बंदे से मिलने दो, लेकिन मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया था, ऐसे किया था। यहाँ तक कि सबसे बड़ा भाई उसका, मतलब उसका भगवान बन गया था, यहाँ तक कि मुझे लांछन डाला गया था, अरे कुछ नहीं, वो नशा लेती है, नशे में उल्टी उल्टी हुआ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे हम लोग को कुछ मतलब नहीं रखना है, हमारे से कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोला गया था। बताओ, जिसके लिए मैं, जिन लोगों के, जिन परिवार के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ी, वो आरिफ शेख जैसे भड़वे से मैं लड़ी, वो लोगों ने मुझे धुतकार दिया। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसा नहीं, मैं सोशल मीडिया पे बात बोलती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जो आज दिन देखा है मैंने आपकी वजह से देखा है। आप लोगों के सिगरेट अगरबत्ती लगाने का, मेरे बाबा रहमान का, बाबा मखदूम शाह बाबा का चमत्कार है कि उन्होंने सबके मुँह पर कालिक पोती है। सही बोलूँ, जब से हवन हुआ ना, कितने लोगों का पता चला है क्या क्या हो गया सबके साथ। वहाँ पे एक औरत ने ये बड़ी बात बोल दी थी कि उनके घर पे इतने सारे आदमी आते जाते थे, पता नहीं किसके साथ मुंह मारा होगा और नाम मेरे बेटे पे डाला जा रहा है, इतनी बड़ी बात बोली थी। एक बात बताओ, एक औरत हो के एक औरत को ये शोभा रहता है इतनी बड़ी बात बोलते हुए? नहीं, मैं चाहती तो उस वक्त महिला मंडल भेज के बहुत कुत्ते के जैसा मरवाती थी उस औरत को मैं, लेकिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानती हूँ। एक बात बताओ, साइंस ने इतनी तरक्की की है ना कि साइंस एक औरत का अभी आज की तारीख में DNA टेस्ट कर सकती, तो ये तक बता सकती कि कल वो कितने आदमी के साथ सोई है, पता है आपको? तो मेरे लिए टेंशन नहीं है, मैं तो बोलूंगी बोलने से पहले अपने घर का DNA करवा लेना, ऐसा नहीं हो कि पता चला कितने DNA निकलेंगे डेली के। मेरे तक तो मत आना, मैं एक साफ सुथरी और पूजा पाठ वाली औरत हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा उस वक्त, मैंने भगवान पे छोड़ दिया क्योंकि गलती हमारी थी, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये बात बोली गई थी ना, उसके बाद मैंने बताया था, मैंने ऑलमोस्ट केस कर दिया था कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, भाई भाई भाई, वो भाई भगवान बन रहा था, वो अपनी बेशर्मी भूल गया, उसको ये याद नहीं कि उसने क्या बेशर्मी की है। वो बेशर्मी का सच लाने ही मैं आज तक डटी हुई और आप लोगों सच सामने ला रहे हो। वो अपनी बेशर्मी भूल गया कि उसने क्या बेशर्मी की है। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये बहुत बड़ी बात हुई है। वो बात मैं अभी नहीं बताऊंगी काम होने के बाद, क्योंकि अब तो सामने बोलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है। और एक बात और बोलूँगी, ये मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन वालों का थैंक यू सो मच बोलूँगी, भाई तुम्हारी कारनामा नहीं है तो बड़े, मैंने पहले ही बोला था बीच में कि ये काम
मैं बता रही थी पीछे 2-3 बार बोली थी मेरी महिला मंडल पहुंचेगी, मेरे अल्ताफ भाई पहुंचेंगे, ऊपर से प्रेशर आएगा, लेकिन नहीं सुने। तो मैं बोली थी बीच में, मेरे आदमी लोग ने बोला मैडम आप अभी पीछे हटो, अभी जो भी होगा देखा जाएगा और भेजा जाएगा। तो कोई सुन नहीं रहा था मेरी बातों को, मुझे तो मरने को छोड़ दिया गया। तो कुछ दिन पहले बात हुई थी, मेरे को तो बोला जाता मर जाओ, आत्महत्या कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसे बोला गया था। दिल पे चोट लग गई थी, मैंने बोली ये क्या बात है। लेकिन ये बात मेरे मखदूम साहब बाबा ने लाफा खींच के मारा कि देख, इसलिए मैंने गाना गाया है, इसलिए मैंने डाला है गाना, अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है। ये बात है, देखो सांच को आँच नहीं, सच थोड़ा देर से, सच नंगा होता है, थोड़ा देर से आता है सामने, बड़ी जोरदार आता है, आता जरूर है। मैंने कितने लोग मुझे बोलते हैं, अरे मैडम आपने ऐसा किया बुरा होगा, मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ। देखो मेरा कैशो भी बड़े हक के साथ वापस आ रहा है, समझे। बात जब डीएनए सब की आती है ना, तो हम तो ऐसे लोगों का डीएनए करा, ऐसा नहीं हो कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। जो भाई इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना, वो ये भूल गया कि अगर मैं तेरा डीएनए करवाऊंगी ना, तो ऐसा नहीं हो कि तू किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मेरे वकील ने तो यही बोला है, मैडम आप शांत बैठो, आप तो कहीं जाना मत, नहीं तो ऐसा, क्योंकि मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। बस आप सबका सहे दिल से शुक्रिया इस बात पे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरा केशव है बड़ा हरामी। देखो आ रहा है तो अपना हक लेके आ रहा है वापस, वो पूरी तरह से सब कुछ ठीक करके आ रहा है। मैं यही बोलूंगी पुलिस स्टेशन को कि मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा स्टेटमेंट क्या लेना है, मैं स्टेटमेंट देती हूँ कि मेरा खास बंदा एकदम सही है, वो मेरा पूरा ध्यान रखता है। आप उन भड़वों पे ध्यान दो, वो आरिफ शेख जैसे आदमी लोग पे ध्यान दो, जिनके नाम पे मैंने 8-10 अर्जी डाली है, उनको बुलाओ। सीधे लोगों पे ध्यान मत दो, सीधे लोगों को मैं हूँ देखने के लिए, आप उन लोग पे ध्यान दो। बाकी चीज़ों के लिए मेरा वकील बैठा है, मैं बैठी हूँ। तो ऐसा नहीं, गरीब मिला तो गरीब की गांड में डंडा मत डालो, जो तुमको हफ्ता पहुंचा था ना उनकी गांड में डंडा डालो, उनको पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगी, ये मेरी पक्का वादा है, समझ लेना। मुझे कुछ नहीं करना, मैं वापस से मखदूम शाह बाबा दरगाह जाऊंगी, क्योंकि मेरी लाठी उधर, मेरा बॉडी वाला शख्स ही इतना बड़ा है ना कि बॉडी वाला शख्स ही वकील बन जाएगा, बॉडी वाला शख्स ही पुलिस बन जाएगा, बॉडी वाला शख्स ही कमिश्नर बन जाएगा। जब मैं लेटर कमिश्नर डीएसपी तक उनके खिलाफ डाल सकती हूँ, तो मैं आप लोग के खिलाफ भी डाल सकती हूँ कि मैं आरिफ शेख बंदे के नाम पे 2-3 अर्जी डाली हूँ, ये लोगों ने कोई एक्शन लिया। उस बिहार में मजबूरन मुझे केस डालना पड़ा कोर्ट में, कोर्ट में केस आ चुका है। आप उस पर लो ना एक्शन, उस पर क्यों नहीं लेते हो आप लोग एक्शन, मुझे उस पर लेना है एक्शन। मैं यहाँ से सोशल मीडिया के जरिए अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जिस पे आप ध्यान दे रहे हो ना मेरे खास बंदे पे, उस पे ध्यान मत दो, वो मेरा बरोबर ध्यान रख रहा है, वो मेरा बरोबर सब कुछ कर रहा है, वो सब 6 महीने पहले हुआ था, उधर ध्यान मत दो, वो हम देख लेंगे, हमारा पारिवारिक मामला है, समझे। हमारे को ध्यान देना उस पे, तो जो भड़वे लोगों ने भड़वागिरी की उस पे ध्यान दो, या अड़वे भड़वे जो ज्यादा है ना उन पे ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हारी नौकरी छीनने से पीछे नहीं हटूंगी, ये बात समझ जाना। और डायरेक्ट जो बात होता है ना, डायरेक्ट हमको कॉल करके हमारे वकील को हमको बताओ, ऐरे गैरों के मुंह से हमारे को मैसेज मत पहुंचवाओ कि ऐसा हो गया, मैडम को जाके बोलो, ये बोलो वो बोलो, नहीं तो मैं तुरंत, मैंने ऑलरेडी एक लेटर डाला था, आपको पता है महिला मंडल तक लेटर गया था, फिर मुझे दूसरा लेटर डालना पड़ेगा, फिर मुझे बोलना मत। दूसरी बात है, मेरे खास बंदे तक आने का नहीं, जो लेटर आया है बाकायदा मेरे वकील को बुलवाओ, जो भी है हम जवाब देंगे। हमारा पारिवारिक मामला सुलझ चुका है, हमको कोई कुछ करना नहीं है, मुझे आगे कुछ नहीं करना है, वो हम अपना देखेंगे, वो मेरा वकील डायरेक्टली जो करेगा करेगा। करना है तो वो लोगों पे एक्शन लो जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं नशे में थी, आरिफ शेख ने मुझे नशा दिया था, उसको पकड़ो, नहीं तो आज मैं मर गई होती, मेरी लड़कियों को भी खतरा होता। मैं सीधा स्टेटमेंट दे रही हूँ, उसको दो, ये सोशल मीडिया का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, उसको अरेस्ट करो ना, उसको क्यों नहीं अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, उसके पूरे ग्रुप को अरेस्ट करो, बाकी लोगों को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक मामला, जो मेरे बच्चे तक का मामला था, वो हम लोग आपस में सुलझा रहे हैं, हमारा कुछ टेंशन नहीं है। मेरा खास बंदा मेरा पूरा ध्यान देता है, सब कुछ है, वो भी तुम लोगों ने थोड़े चक्कर में उसको फंसाया था, उस चक्कर में फंसने के बाद भी उस बंदे ने आज तक मेरा पूरा ध्यान दिया। उसके घर वाले भी कोई मेरे बीच में कभी कुछ बोलते नहीं, वो लोग भी अपने काम से काम है, उनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ जो है वो मेरा वकील जाके बात करेगा, बात करता। और दूसरी बात, आप सभी को एक ही बात बोलूंगी, अब पूरी जीत हो चुकी है, बस अब केशव आना है, केशव तो अब आने ही वाला है, क्योंकि अब तो मेरा चलना फिरना बहुत मुश्किल है, मैं मुश्किल से चल पाती हूँ। मैं उस दिन दरगाह भी गई थी, मेरी हालत बहुत खराब थी, मेरी तबीयत भी खराब थी, ऐसा आपको चेहरा देख के लगता होगा क्या होगा, लेकिन आपको बताइए, औरत पे कमजोरी रहती है, चलना फिरना सब मुश्किल रहता है, सिर्फ जबान में मत जाओ, इंसान की हालत देखो, क्योंकि मेरी कोई दवा ववा कुछ चालू नहीं, मैं डायरेक्टली बस नॉर्मल डिलीवरी के लिए भगवान से दुआ करूँ। अब बस यही बात है, लगाओ रहमान जी, बल्कि आप जो भगवान को मानते हो भगवान की मन्नत मानो। मेरा केशव होने के बाद मैं हर उस इंसान के पास आऊँगी, जो हर उस इंसान के मंदिर पर दर्शन करने आऊँगी, जो जो मेरे केशव के लिए मन्नत मांगेगा,
मैं हर मन्नत पूरी करूंगी, ये मेरा वादा है। और अभी तो जो मैं मंगलवार को गिफ्ट देने वाली हूँ 51, अब तो 11,000 आपका और बनता है, मैं 61,000 आप सबको गिफ्ट दूंगी, वादा है मेरा। क्योंकि मेरा परिवार आप और मेरी जीत के असली हकदार आप हो, आप लोगों ने मेरी जीत करवाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप करो। क्योंकि अभी हवन में कर चुके, अब तो मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं हवन नहीं बैठूंगी। दो हवन ने सबकी बैंड बजा दी है, बहुत सारे जगह से आ गया, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत जगह पे हो गया, मुझे नहीं करना है। मैं अब आप लोग से मुझे बाबा जी को, मेरे मखदूम शाह बाबा को यही कहना है, बाबा जी अब मेरे केशों को ला दो, बस मेरे से आप अब इसे ला दो कि अब मैं फिर से मेरे केशों के बाद मैं यात्रा यात्रा पे निकलूँ और अपना काम करूँ। तो आप सब लोग ही मेरी सबसे बड़ी जीत हो, और आप ही मेरी जीत, आप भी मेरी जीत का फरमान सर पे लगाओ। अब मेरे केशों को लाओ, आंखें तरस गई हैं देखने के लिए, बस। तो आप सबकी, आप मेरी नहीं, ये आप सबकी जीत है। जिसके पास आप लोग जैसा परिवार हो ना, उसकी हार तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो मैं मान गई हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय मां निवासिनी।